भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो चुका है और भारतीय टीम ने यहां टेस्ट और वनडे सीरीज में जीत हासिल करके सीरीज का अंत किया। भारतीय टीम ने पहले 2-1 से टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की, उसके बाद 2-1 से वनडे सीरीज में भी जीत हासिल की। 18 जनवरी को भारतीय टीम ने अपना आखिरी मैच खेला था इस दौरे का। वनडे मैच मेलबर्न में खेला गया था और ये डिसाइडर मैच था, क्योंकि यहाँ पे जो दो पहले वनडे मैच खेले गए थे दोनों टीमें 1-1 जीत के साथ बराबरी पर थी। और 18 जनवरी को जो मैच खेला गया यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव की कमाल की बल्लेबाजी और युजवेंद्र चहल की कमाल की गेंदबाजी के बदौलत भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली। उसके बाद यहाँ पूरे टीम इंडिया में खुश जश्न का माहौल था और सभी खिलाड़ियों ने यहाँ पे जमकर सेलिब्रेट किया। वहीं कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी यहाँ पे जमकर जीत के सेलिब्रेशन करते नजर आए। और उसके बाद यहाँ पे अगले ही दिन विराट कोहली छुट्टियाँ मनाते नजर आए अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ, और उन्होंने दुनिया का सबसे दिग्गज टेनिस खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के साथ मुलाकात की। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन में यहाँ पे मैच देखने गए थे और वीआईपी बॉक्स में बैठकर इन्होंने मैच देखा। और उसके बाद यहाँ पे विराट कोहली ने ट्वीट कर शानदार दिन बताया ऑस्ट्रेलिया ओपन का, यहाँ पे मैच दोनों ने देखा। और इस तरीके से भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो चुका है। वहीं भारत का न्यूजीलैंड दौरा 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा। वहाँ पहला वनडे मैच 23 जनवरी को खेला जाना है न्यूजीलैंड में। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके सीरीज पर कब्जा की है, क्या न्यूजीलैंड में भी वैसे ही प्रदर्शन दिखता है कि नहीं। नेक्स्ट एन स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।